आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर का। चीन में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसमें चीन का टेक हब शेंजेन भी शामिल है। जानकारों का कहना है कि यदि चीन में लॉकडाउन लंबा खिंचता है तो भारत में टेलीविजन, लैपटॉप और स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत करीब 20-50% इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर है। इसमें शेंजेन शहर की बड़ी हिस्सेदारी है। यदि एक बार फिर आपूर्ति प्रभावित होती है या संभावित राहत नहीं मिलती है तो सभी ब्रांड्स की कीमतों में बढ़ोतरी निश्चित देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को वहन करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। ऐसे में वह इसका बोझ ग्राहकों पर ही डालेगी। यदि शेंजेन शहर में 3 सप्ताह या इससे ज़्यादा लॉकडाउन रहता है तो इसका असर स्मार्टफोन की शिपमेंट पर जून तिमाही के मध्य या सितंबर तिमाही तक रह सकता है। उपकरणों की कीमत और किराए की दर लंबे समय से उच्च स्तर पर बने हुए हैं। कंपनियां अब कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। यदि चीन में लॉकडाउन लंबा खिंचता है तो स्मार्टफोन की कीमत में 5-7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कीमतों में बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि लॉकडाउन कितना लंबा खिंचता है। वहीं विभिन्न सामानों की कीमतों में 20-30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आपूर्ति संबंधी समस्या आने वाली तिमाही में दूर हो जाती है तो कीमतों में बढ़ोतरी 10-15% के बीच रह सकती है। अधिकांश स्मार्टफोन कंपनियां पहले से ही चिप की कमी का सामना कर रही है। वहीं पे भारत बड़े पैमाने पर कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। कच्चे माल की कीमतों में पहले ही बढ़ोतरी हो गई है। कुछ कंपनियों के पास 1-1.5 महीने का ही स्टॉक होगा। यदि लॉकडाउन लंबा खिंचता है तो उद्योग प्रभावित होगा। आपूर्ति प्रभावित होने से अंतिम उत्पाद के उत्पादन में देरी हो सकती है। शेंजेन में लॉकडाउन लंबा खिंचता है तो टीवी की कीमतों में 7-10% जो बढ़ोतरी हो सकती है। बीते कुछ सप्ताह में चीन और हांगकांग से उपकरणों और कच्चे माल की आपूर्ति में कमी देखने को मिली है। इसको देखते हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल विनिर्माता अप्रैल से उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चीन में कोविड-19 के केस लगातार बढ़ोतरी के चलते लगाए गए लॉकडाउन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां चीन से तैयार कच्चा माल मंगाती हैं, लेकिन आपूर्ति नहीं होने की वजह से कंपनियों की जो इन्वेंट्री है वो घट रही है। ऐसे में कंपनियों को अप्रैल से उत्पादन में कटौती के लिए मजबूत होना पड़ेगा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां 40-50% कच्चे माल के लिए चीन पर ही निर्भर है। एक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी का तो यह भी कहना है कि कंपनियां पहले से ही कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति से 10-15 दिनों की देरी का जो सामना है वो कर रही है। इसके अलावा अगले महीने उत्पादन प्रभावित भी होगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनियां भी की जो स्थिति पर है वो भी नजर बनाए बैठी हुई है और आपूर्ति प्रभावित होने पर उत्पादन में कटौती पर विचार कर सकती है। तो ये थी बात कि चीन में लॉकडाउन लंबा खिंचता है तो भारत में टेलीविजन, लैपटॉप और स्मार्टफोन की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी तेजी से दिखाई देगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।